JK247 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन बड़गाम में मौजूद हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि ट्रेन चलेगी अब जम्मू से अब श्रीनगर की तरफ रेल चलेगी, बिल्कुल ये कन्याकुमारी से कश्मीर टच होगा। इसके मतलब हम बात करेंगे। यहाँ पर हैं चीफ एरिया मैनेजर हमारे साकिब यूसुफ साहब, तो आप बताइए सर, ये जो खबरें आ रही हैं तो इसके मतलब हमें जानकारी दीजिए। देखिए, जो USBRL प्रोजेक्ट है उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है एंड होपफुली इन दिस फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ जो श्रीनगर एंड कश्मीर वैली है इट विल गेट कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेल लाइन। तो सर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि पहले मालवाहक गाड़ी चलेगी ट्रायल के लिए, तो फिर उसके बाद कोई ट्रेन चलेगी और आने वाले वक्त में ऐसे भी सोर्सेज में हमने सुना कि बहुत सी ट्रेनें यहाँ पर आ रही हैं, तो इसके मतलब सर कोई जानकारी? देखिए, जो जब कोई नया सेक्शन खुलना होता है तो सबसे पहले इंजन ट्रायल होता है, तो एक हेवी इंजन होता है जो ट्रैक पे चलाया जाता है, उसे हम इंजन ट्रायल कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंस्पेक्शंस होते हैं, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आते हैं एंड आफ्टर ऑल दोज फॉर्मेलिटीज़ सेक्शन जो है वो ओपन किया जाता है फॉर कोचिंग एंड गुड्स ट्रेन्स। तो दिस प्रोसेस विल ऑल्सो टेक प्लेस इन कश्मीर वैली एंड द USBRL सेक्शन एंड होपफुली सून इन दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर ट्राइंग कि जो रेल लाइन है वो कनेक्ट हो जाए एंड USBRL प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए। सर हम स्टेशन्स के हवाले से बात करेंगे, जैसे कि पिछले दिनों यहाँ पर भी जो मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा या उधमपुर है, तो कहाँ तक काम इस वक्त चल रहा है और कहाँ तक वो काम पहुँचा? देखिए, अमृत स्टेशन्स, दो अमृत स्टेशन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एक उधमपुर रेलवे स्टेशन है और एक बड़गाम रेलवे स्टेशन है, जिनमें मैसू स्केल पे रीमॉडलिंग हो रही है पैसेंजर एमिनिटीज़ के हवाले से। तो अगर आप बाहर, जो ये बड़गाम रेलवे स्टेशन है, इधर आप बाहर अगर देखेंगे जो इसका सर्कुलेटिंग एरिया है, उसमें बहुत सारा काम हो रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वेटिंग हॉल्स बन रहे हैं, बिकॉज़ ये जो स्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बनने वाला है जब लॉन्ग डिस्टेंस कोचिंग ट्रेन्स चलेंगी। तो ये स्टेशन को उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम नए वेटिंग हॉल्स बना रहे हैं, फूड कोर्ट्स बना रहे हैं, टिकटिंग बूथ्स बना रहे हैं, ताकि पैसेंजर्स को बहुत आसानी हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में और उनको कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक कि हम इनॉग्रेशन हुई हाल ही जो ट्रेन विस्टाडोम, तो उसका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है? क्या टूरिस्ट उससे मायल हो रहे हैं, या अगर हम यहाँ कर लोकल्स की बात करें, क्या कितने कैसे वो चढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका एक ही कोच है, बाकी जो इकोनॉमिकल कोच है सेम है, तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, जो विस्टाडोम कोच रिसेंटली हमने इनॉग्रेट किया था, उसमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ रहा है। टूरिस्ट आर लाइकिंग दिस ट्रेन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, वी विल हैव 100% ऑक्यूपेंसी इन दैट ट्रेन जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी। सो वी आर वेरी वेरी होपफुल कि ये जो विस्टाडोम ट्रेन है, ये टूरिज्म के हवाले से कश्मीर वैली में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, अपने में खुद एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी। जी, अगर हम विजिबिलिटी के हवाले से, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हवाई सफ़र भी कुछ ताखिर हो रहे हैं फ़्लाइट्स में, उसी तरह यहाँ पर रेलवे में भी क्या ऐसे हो रहे हैं और किस तरह आज ट्रेनें चल रही हैं? जो अभी आपने देखा होगा बहुत सारी फॉग है मॉर्निंग में, इनफैक्ट एंटायर डे इज़ वेरी हेजी। तो जैसे ही विजिबिलिटी कम होती है, जो ट्रेन्स में लोको पायलट्स होते हैं दे मैनेज देयर स्पीड्स, जो फुल स्पीड होती है वो उस मैक्सिमम स्पीड से नहीं चलते हैं, दे रिड्यूस देयर स्पीड्स। सो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है टाइमिंग्स ट्रेन्स में, जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन्स हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेदर विल क्लियर आउट सून एंड सच अ प्रॉब्लम विल नॉट कंटिन्यूअसली फेस सच अ प्रॉब्लम। सर फिर एक बार आपसे ये सवाल पूछेंगे कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अक्सर हमने देखा कि कई चैनल्स चला रहे हैं कि मार्च में फरवरी में, तो कब तक एक्सपेक्टेशन है कि जम्मू से रेल चलेगी थ्रू इंडिया हो जाएगी? जो काम है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है, फाइनल स्टेजेस पे काम है। एज सून एज द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड द ट्रेन्स विल रन इन कश्मीर वैली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड ट्रेन्स विल मूव फ्रॉम कश्मीर वैली टू ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द कंट्री। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे चीफ एरिया मैनेजर साकिब यूसुफ साहब, जिन्होंने हमसे बात की कि अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रेन्स चलेंगी जम्मू से यहाँ थ्रू होगा और
कन्याकुमारी से भी ट्रेन चलेंगी और कई जगहों से जो है भारत से जो यहाँ पर ट्रेन चलेंगी। तो इस पे सागर साहब का यही कहना है कि ये अभी काम चल रहा है और आखिरी मरहले में ये चल रहा है और इसी रवा साल में अगर हम देखें तो काफ़ी काम इसमें जो है काफ़ी बेहतरी हुई है, ट्रैक्स बन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में जो है आपको ये अच्छी खबर आ सकती है कि जो जम्मू से यहाँ पर ट्रेन आ रही है। अब जुड़े रहे JK247 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।